सारेगामा कारवां के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए कोड को स्कैन करें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए, ये हमारी एक बहुत ही निराली सीरीज है जिसमें हम जो फिल्म के तमाम गाने हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और देखिए, गानों के पीछे भी कहानी रहती है, फिल्म के बनाने के पीछे भी कुछ कहानियाँ बनती हैं, वो कहानियाँ भी मैं आपके साथ बांटता हूँ। और मुझे तो बेहद खुशी है कि सारेगामा कारवां, जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उसमें भी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, और वो भी रेडियो की सबसे सुनहरी आवाज़ अमीन सयानी साहब के गीतमाला की छाँव में जो कलेक्शन है उसके ज़रिए। तो बहुत मज़ा आता है। और आज जो है हम बात करेंगे इस एपिसोड में 1942 अ लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म अपने आप में बहुत ख़ास रही, इसके बारे में बहुत सारी बातें दुनिया जानती भी है, लेकिन इसका संगीत जो रहा वो सबसे हटके रहा। जी हाँ, सुनहरे दौर का संगीत जिसे हम मिस करने लगे थे 80 की दहाई में या 90 की दहाई में, इसने उसे जगा दिया। हाँ, और जो गाना अभी आप सुनेंगे, इसमें पूरी जो पोइट्री है जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छा लिखा है, लड़की की खूबसूरती बयां की है और प्यार कैसा है, सारी बातें हुई हैं। लेकिन जब इस गाने को रिकॉर्ड करना था, तब RD बर्मन साहब ने, पंचम दा ने, एक बात कुमार सानू साहब से कही। सानू दा से कहा, पंचम दा ने, देखो सानू, ऐसा है कि ये गाना अपने आप में बहुत बढ़िया है, है ना, लड़की की तारीफ चल रही है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे ऐसे, वो सारी बातें हैं, लेकिन एक लफ्ज़ ऐसा है जिस पे यदि तुम पूरा ध्यान दोगे तो ये गाना एकदम हटके बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो कुमार सानू ने कहा, बताइए पंचमदा, कौन क्या बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भी ये गाने को हम रिकॉर्ड करें तो ये लफ्ज़ आता ना जैसे, हर बार जो जैसे है उसे अलग तरीके से कहना, अलग तरीके से गाना, तब ये गाना बहुत खूबसूरत बनेगा। तो कुमार सानू भी हैरान रह गए कि मतलब पूरी पोइट्री जावेद अख्तर साहब की और क्या क्या सिमिलीज हैं उसमें, सारी बातें, लेकिन पंचमदा ने इस लफ्ज़ को पकड़ा जैसे, क्योंकि पंचमदा साउंड के जादूगर साहब, संगीत के जादूगर, वो जानते थे कि यदि ये वर्ड जैसे को जैसे जैसे कह दिया गया तो बात नहीं बनेगी, इसको तो अलग अलग अंदाज में ही बयां करना होगा। और कुमार सानू ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। आप इस गाने को सुने, हाँ, और जब भी ये लफ्ज़ है ना जैसे, उस पर गौर फरमाइएगा, यकीन मानिए बड़ा मज़ा आएगा। ऐसी और भी कुछ बड़ी निराली बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी, पंचम दा की जिंदगी से जुड़ी, इन कलाकारों की जिंदगी से जुड़ी, वो आपके साथ बांटी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। खाब जैसे, उजली किरण जैसे, वन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया।
की डोर जैसे, परियों का राग जैसे, संदल की आग जैसे, सोला सिंगार जैसे, रस की पुआर जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, सुलगी सुलगी सांसें, बह
महकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक। यह कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म के तमाम गाने जो हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस एपिसोड के जरिए। और देखिए साहब, ये बात अपने आप में बहुत हैरान करती है कि आर डी बर्मन, जिनका नाम बड़ी बड़ी फिल्मों से जुड़ा है, बड़े बड़े सुपरस्टार से जुड़ा, जिनके संगीत ने सब पे अजब जादू जो है वो कर दिया, एक वक्त ऐसा भी आया जब ये स्टूडियो में खाली बैठा करते थे, बहुत नर्वस हो गए थे। जी हाँ, हुआ दरअसल क्या, कोई तकरीबन 15-20 फिल्में ऐसी रहीं जो फ्लॉप हो गई, और ये बात 80 की दहाई की है। और अब हुआ क्या कि साहब किसे इल्ज़ाम दिया जाए, तो लोगों ने आर डी बर्मन के संगीत को ही इल्ज़ाम दिया कि पंचम ने संगीत ही अच्छा नहीं दिया, पिक्चर का म्यूज़िक ही ख़राब था, इस वजह से फिल्में फ्लॉप हो गई। अब साहब पंचम दा बड़े इमोशनल आदमी, नहायत ही इमोशनल इंसान, वो ज़रा इस प्रेशर में ज़रा दब गए। कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिनमें इनका नाम जो है वो अनाउंस किया गया कि भाई ये हमारी फिल्म में म्यूज़िक देंगे, और फिर इन्हें ड्रॉप कर दिया इन्हें बिना बताए। तो अजब माहौल चल रहा था, इनके जितने भी साजिंदे थे, इनके जो म्यूज़िक टीम के जो लोग थे वो अलग अलग संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे, या कुछ लोग कलकत्ता शहर चले गए थे, वो सारा हिसाब किताब था। अब फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, एक अजब मोड़ था पंचम दा की ज़िंदगी, वापसी भी थी और टीम को दोबारा इन्होंने बनाया भी एक तरह से। जब विधु विनोद चोपड़ा ने ये फिल्म पंचम दा को दी, और जावेद अख्तर साहब का भी इसमें खासा किरदार है, बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही, तो पंचम दा ने अपने तमाम साजिंदों को फ़ोन किया और कहा कि अरे आ जाओ, पिक्चर मिल गई है, बहुत अच्छा पिक्चर मिला है, आ जाओ संगीत देना है। तो जो एक्साइटमेंट था ना, वो एकदम बच्चे की तरह से था, और फिल्म 1942 लव स्टोरी का संगीत बनना इस तरह से शुरू हुआ। लेकिन इतना आसान नहीं था, अभी मंजिल तक बात पहुंची नहीं थी साहब, बड़ी अड़चनें थीं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 1942 लव स्टोरी के गानों में से एक बड़ा निराला गाना अभी इस वक्त हम सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मेरी पूछा तो बोली पतली पवन,
आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं।
कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। 1942 अ लव स्टोरी की बातें हो रही हैं और ये तमाम गाने जाहिर सी बात है सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नया तोहफा है उनमें से चुने गए हैं। और सिर्फ फिल्म संगीत ही नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त शास्त्रीय संगीत और भक्ति संगीत भी सुनने को मिलता है सारेगामा कारवां में। हाँ, बड़ा अजब ख़जाना है ऐसा। और हमारे इसी ख़जाने से जब हम 1942 अ लव स्टोरी की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं जो बहुत भावुक कर देती हैं। देखिए क्या रहा, पंचम दा ने फिल्म तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर साहब के लिए संगीत दिया था और वो नहायत ही नर्वस थे, बहुत ही घबराए हुए थे। और शम्मी साहब ने कहा और धुने सुनाओ, एक के बाद एक धुन पंचम दा ने सुनाई थी और फिल्म बहुत मकबूल हुई, संगीत बहुत हिट हुआ और सभी ने कहा कि ये एक अलग साउंड वाला आदमी आ गया। और कोई नहीं सोच सकता था कि कई बरसों के बाद, मतलब 60 की दहाई के बाद 90 की दहाई, है ना, तकरीबन 30 बरस के बाद जो है पंचम दा उन्हीं हालात से गुजरेंगे। जी हाँ, इन्हें फिल्म तो दी जा रही थी 1942 लव स्टोरी, लेकिन अभी भी अड़चनें थी। फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, जो खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और विधिवत प्रशिक्षण लेकर आए थे साहब फिल्म मेकिंग का, वो पंचम दा को बार बार बोले कि पंचम दा, दादा ये बात नहीं बन रही, संगीत में ना ये नहीं आ रहा, जो चाहिए वो आ नहीं रहा है। सोचिए ना, कभी इनके पिता महान संगीतकार एस डी बर्मन की याद दिलाई जाती है इन्हें प्रेरित करने के लिए। और उसके बाद आर डी बर्मन साहब ने वो धुन सुनाई, धुन सुनी और विधु विनोद चोपड़ा जो रहे वो एकदम दीवाने हो गए। उन्होंने कहा दादा बस यही चाहिए। और चूंकि ये फिल्म 1942 नाम से ही बताती है कि सन 1942 का जिक्र करती हुई आती है, आज़ादी के पहले की बात करती हुई आती है, इंकलाबी दौर की बात करती हुई आती है, तो उसमें इतना मधुर संगीत, इतना बढ़िया रोमांटिक संगीत फिर पैदा किया आर डी बर्मन ने। देखिए कुछ उसी तरह के हालात थे जब ये लोगों को कन्विंस करते थे कि नहीं मेरा संगीत भी सुने आप, और तब तो ये नहीं जानते थे आर डी बर्मन भी और हम भी नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी फिल्म मानी जाएगी और होगी। और इस तरह से फिल्म 1942 लव स्टोरी का संगीत शुरू हुआ। हाँ, है कुछ और बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें इन कलाकारों से जुड़ी जो आपके साथ बांटूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा गानों का लुत्फ उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूं तो रूठ न जाना, तुमसे कहूं तो में
हो तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो
जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, न उदास हो मेरे हम सफर। यह कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। 1942 लव स्टोरी का जिक्र चल रहा है, उसके गाने चल रहे हैं। बेजोड़ संगीत है साहब, बेमिसाल शायरी है जो गीतकारी जावेद अख्तर साहब ने रखी, और बड़ी खूबसूरती के साथ इन्हें इन तमाम गीतों को और फिल्म को फिल्माया यदु विनोद चोपड़ा साहब ने, और तमाम टेक्नीशियंस की बहुत तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन इस बात से सभी बेखबर थे कि ये आखिरी फिल्म होगी आर डी बर्मन की, और एक बड़ा अजब किस्सा बन गया। आर डी बर्मन साहब को दिल की तकलीफ थी, बीमार थे, और धीरे धीरे जाग भी गए थे अपनी बीमारी से कि नहीं साहब, संगीत देना है और अच्छा रहना है। और ये एक पार्टी में गए, पार्टी शक्ति सामंता साहब की, महान फिल्म मेकर शक्ति सामंता, जिन्होंने आराधना, अमर प्रेम, तमाम बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाई, और पंचम दा के संगीत का बड़ा अच्छा एक रोल रहा उन फिल्मों में। अब हुआ गया कि वो पार्टी वगैरह तो हुई, तो शक्ति दा ने जो है पंचम दा को रोका, आर डी बर्मन को, बिल्कुल वो तो एस डी बर्मन के साथ काम किया करते थे शक्ति सामंता साहब तो, और बहुत फिल्मों में आर डी बर्मन ने भी संगीत दिया, तो एक अलग हक रखते थे वो। उन्होंने कहा, पंचम आज की रात मत जा, रुक जा, मत जा, मैं कहता हूँ, और ज़िद करी। पर पता नहीं क्या हुआ, आर डी बर्मन साहब ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है, मैं तो जाऊँगा। अब होता है ना कभी कभी कोई बड़ा कहे कि बात मानो, और छोटे जो है अक्सर अपने आत्मविश्वास में कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। और पंचम दा वो पार्टी से जो है अपने घर पहुंच गए। अब इसका अंदाज़ा किसे था, कि घर तो पहुंचे लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल ही हो जाएगा अगले दिन। ठीक वैसा ही हुआ, सब लोग बहुत गमगीन हो गए, और शक्ति सामंता साहब तो बड़े बहुत सोच में पड़ गए कि क्यों पंचम ने मेरी बात नहीं मानी, रुक जाता, क्या पता शायद ऐसा नहीं होता, हमारे पास रहता, वो अकेला था अपने घर पे। ये तमाम बातों ने बहुत भावुक किया शक्ति सामंता को, और ये एक किस्सा, एक कहानी, एक याद बनकर जो है वो हमारे सामने आती रहती है बात। और ये भावुक बात आपके साथ बांटी है, तो चलिए साहब एक काम करते हैं, अभी गाना सुनते हैं 1942 लव स्टोरी का, है ना, जरा मन और संभलेगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। कुछ ना कहो,
कुछ भी ना कहो। यह है कारवां क्लासिक। गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। 1942 लव स्टोरी का संगीत जो है, हम उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कमाल की शायरी जावेद अख्तर साहब की, और विधु विनोद चोपड़ा साहब ने जिस तरह का संगीत चुना, जिस तरह की फिल्म चुनी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और पंचम दा, आ हा हा, बेजोड़ बेमिसाल। जिन लोगों ने कहा था कि ये आरडी जो है इंडस्ट्री से आउट हो गया है, इसके बस की नहीं है, अब आरडी बर्मन ने बता दिया अपनी आखिरी फिल्म से कि देखो साहब, मुझ में तो दम कम भी है और ऐसा संगीत कोई और दे भी नहीं सकता। अफसोस ये कि वो इसकी सफलता देखने से पहले चल बसे। और अजब इत्तफाक है ना, आर डी बर्मन साहब जब पहली बार बतौर संगीतकार शुरुआत कर रहे थे फिल्म छोटे नवाब से,
जो कि महमूद साहब ने फिल्म बनाई थी, उसमें इनकी ज़िद थी कि भाई ये गाना जो है लता मंगेशकर ही गाएंगी। और ये वो वक्त था जब SD बर्मन और लता मंगेशकर का ज़रा झगड़ा चल रहा था, और उस गाने ने दोस्ती करवा दी। घर आ जा घर आई, वो गाना तो सबको याद है ही। और ये भी अजब इत्तेफाक है कि पंचमदा गुजर गए और उनकी आखिरी फिल्म की रिकॉर्डिंग जो है उसका गाना उनके गुजर जाने के बाद लता जी ने गाया। सोचिए, ये अजब इत्तेफाक हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं सभी के साथ, और फिर वही बातें जो है कहानियाँ बन जाती हैं। और इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद तो इनके नाम आर.डी. बर्मन के नाम पे एक अवार्ड भी रखा गया। और बहुत ही कम उम्र में जो है, कितना संगीत अभी बाकी था पंचमदा, वो ये दुनिया छोड़ चल बसे। और 1942 लव स्टोरी का जो संगीत है वो सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा, सिर्फ इस बात के लिए ही नहीं कि ये पंचमदा की आखिरी फिल्म रही। हो सकता है इस बात को लोग भूल भी जाएं, लेकिन इसका संगीत जो है वो हमें सदैव याद दिलाता रहेगा कितने महान रहे आर.डी. बर्मन साहब और क्या ये फिल्म रही। कैसा लगा आपको ये शो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।